हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ए व्हीकल टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक 4860 वोल्ट का कंट्रोलर है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। इसमें फॉल्ट क्या है, जैसे ही मैं इसमें बैटरी से कनेक्ट करता हूँ इसको, मैं तो मीटर में कोई सिंबल बन के नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो कि इसमें 5 वोल्ट बनता है वो 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से ये कंट्रोलर चल नहीं पा रहा। तो दोस्तों चेक करेंगे इसको, क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें, कहाँ से 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है, क्या आईसी ख़राब हुई है, क्या मॉसफेट ख़राब हैं, क्या चीज़ इसमें फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये कंट्रोल आप रख गए थे इधर? चलिया हाँ, हाँ कब? अरे वो रखे हुए ना, क्या नाम ड्राइवर या कोई आप रखे थे ना, ये रखे होंगे, ये मैं ही लाया था वहां से कंपनी से। मैं कह रहा अच्छी हूँ, अच्छी 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 हाँ मैं ही तो रख के दो। चलिया वाले का है पैसे पूरे तो आए यार, जो जो का खर्चा हुआ है कैसे खबर जाओ, वही चीजें हैं। 200 रुपये 150 रुपये वहाँ बस स्टार्ट वाला एक मिनट रुको, अब इसमें 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है। इसका कारण आप देख सकते हैं, जो कि एक आईसी लगी है इधर, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जल चुकी है। इस वजह से इस कंट्रोलर में 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा, कंट्रोलर मोटर को नहीं घुमा पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस आईसी को हम निकाल के दूसरी आईसी इसमें लगाएंगे। कौन सा नंबर आईसी का है डालूंगा मैं इसको, ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, जगह बनानी पड़ेगी इसको लगाने के लिए। तो जगह बनाने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, पहले इसको निकालेंगे। इसके बाद यहाँ जगह बनेगी, तब हम अच्छे से इस आईसी को लगा पाएंगे। दिया है और इधर देख पा रहे हैं आप, जो आईसी चली हुई है इसको हम चेंज करेंगे। और ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 100 वोल्ट 100 UF, ये भी मैं रिमूव कर लेता हूँ इधर से, जिससे कि आसानी हो जाए इसको लगाने में। कैपेसिटर भी निकाल दिए हैं मैंने। अब जैसे कि आप देख पाएंगे, अब आईसी निकालने के लिए जगह हो गई है। अब आसानी से इसको मैं रिमूव कर दूंगा और ये जो डायोड लगे हुए हैं इनको भी मैं आसानी से चेक कर लूंगा। अब चेक करते हैं पहले डायोड, चार सौ इकतीस
0.41। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, एक इसमें से डायोड जो कि सही दिखा रहा है और दूसरा वाला हमको शॉर्ट दिखा रहा है मीटर। ये वाला शॉर्ट दिखा रहा है और ये वाला सही दिखा रहा है। जो डायोड शॉर्ट है वो हमारा M7 डायोड है, पर इसको मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं IC को यहाँ से रिमूव करता हूँ, जब इसको चेक करूँगा क्या पता इसकी वजह से ये शॉर्ट दिखा रहा हो। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हम डालते हैं पेस्ट। अब करते हैं हॉट गन चालू। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जल चुकी है ये। पूरी तरीके से राख हो चुकी है दोस्तों। अब इसको डायोड को चेक करेंगे हम, अब भी शॉर्ट दिखा रहा है कि पहले शॉर्ट दिखा रहा था। देखिए अब बिल्कुल ओके दिखा रहा है दोस्तों। दोनों डायोड ओके हैं। इसके बगल में एक डायोड लगा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी चेक कर लेता हूं मैं। ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें IC लगाएंगे। IC लगाने से पहले मैं इस प्रिंटों को पहले साफ कर लेता हूं अच्छे से। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो IC हमारी ये जली थी इसका नंबर 3018 होता है। जो कि मेरे पास काफ़ी हैं, हम इस IC को लगाएंगे। इसका प्रिंट देख लेते हैं किधर से है, सीधा उल्टा। तो चलिए दोस्तों पहले इसको लगा देता हूं मैं। जब अच्छे से सोल्डरिंग नहीं होती है तो हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा के जो कि पिनों पर अच्छे से, जहाँ जहाँ हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी जब अपने आप लग जाता है। अब अच्छे से दोस्तों इसको पेट्रोल से साफ करेंगे हम।
कैपेसिटर हैं जो जो मैंने निकाले थे दो, इनको भी लगा देता हूँ इसमें। तो दोस्तों बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं सबसे पहले जो हमने निकाले थे। अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं इसमें। अब कैप पिस्टन लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों जो काम था इसका पूरा हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे। पहले इसको मैं बॉडी में अच्छे से लगा देता हूँ। बॉडी में अच्छे से सेट कर दिया हूँ कंट्रोलर को। अब मैं इस वायरिंग में लगाऊंगा इसको, जैसे आप देख पा रहे हैं। और मोटर मेरे पास ये रखी हुई है, इसको चेक करूँगा लगा। पहले हीटिंग मशीन बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा हाथ भी चल सकता है इससे, हीट हो रहा है ये। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसका मैंने कनेक्शन कर दिया है, जो कि 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा था। तो मैं अभी इस बैटरी कनेक्ट करता हूँ। जैसे आप देख पाएंगे पार्किंग लिख के आ रहा है, और पार्किंग में हटा देता हूँ। तो मैं अब एक्सीलेटर देता हूँ, तो आप मोटर की तरफ देखिए। हमारा कंट्रोलर पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।